मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने LPG पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। उन्हें पहले से ही सब्सिडी के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह अब उनके खाते में 400 रुपए की सब्सिडी आएगी। अभी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपए है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में 400 रुपए आएंगे, यानी उन्हें सिलेंडर 703 रुपए का पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर दिल्ली में 903 रुपए का पड़ेगा। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। बता दें कि देश भर की गृहिणियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मिली खबर के मुताबिक मोदी सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की बड़ी कटौती करने जा रही है। जानकारों का कहना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार गरीबों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। इससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा है। इसको देखते हुए सरकार यह कटौती करने जा रही है। ऐसे में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बड़ी कटौती कर सकती है। बता दें कि इस महीने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती की गई थी। इसके बाद दिल्ली में 19 किलो वाले इस सिलेंडर की कीमत घटकर 1,680 रुपए हो गई। इस साल होने वाले राज्यों के चुनाव में पहले से ही गैस सिलेंडर पर छूट देने की बात कही जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 1,140 रुपए तक का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करा रही है। इससे 14 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि सावन माह में सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिवराज के इस ऐलान से मध्य प्रदेश 1,20,00,000 से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के पहले ये बड़ा तोहफा आम लोगों को दिया है।